पहले ही विवादों में घिरी एक्टर अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को मध्य प्रदेश में बैन करने की मांग उठ रही है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेटर लिखने के बाद अब समाज भी सड़क पर उतर आए हैं। मूवी को बैन करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन होने लगे हैं। मंगलवार को भोपाल में हिंदू संगठन और अभा कायस्थ महासभा ने विरोध जताया है। उन्होंने फिल्म में दर्शाए सीन को लेकर नाराजगी जताई है। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन और कायस्थ समाज के लोगों ने नारेबाजी भी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के बॉयकॉट के पोस्टर लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को जिस तरह से दिखाया गया है वह बिल्कुल गलत है। फिल्म को मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में रिलीज होने से बैन कर देना चाहिए। कहीं भी यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। हिंदू संगठन और अभा कायस्थ महासभा ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फिल्म को बैन करने की मांग रख दी है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। बता दें कि यह फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग 18 सितंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर को लेटर लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने दिखाए जा रहे फिल्म के ट्रेलर पर नाराजगी जताई है। कहा कि आपत्तिजनक और अभद्र सीन से पूरे हिंदू समाज में गुस्सा है। इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाएगी।